दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज के इस दौर में जहां बॉलीवुड में फिल्में 500, 600, 700, 800 करोड़ रुपए की लागत में बनती है दोस्तों, और जहां एक फिल्म स्टार जो है एक मेन कलाकार दोस्तों, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो दोस्तों, या फिर अक्षय कुमार हो या ऋतिक रोशन हो दोस्तों, 100 करोड़ से कम इनकी प्राइस नहीं हुआ करती दोस्तों। आज जहाँ एक सितारा फिल्म में काम करने के 100 करोड़ लेता है, लेकिन दोस्तों एक दौर वो भी था कि जब फिल्में 1.5 और 2.5 करोड़ में आसानी के साथ बन जाया करती थी। दोस्तों आज हम जिक्र कर रहे हैं मनमोहन देसाई साहब की फिल्म नसीब का, जो सन 1981 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ रुपये। हालांकि दोस्तों मनमोहन देसाई साहब को तो जो है रिस्क लेने की आदत सी पड़ी हुई थी, और उन्हें मज़ा भी आता था दोस्तों रिस्क लेने में, और उनकी फिल्में दोस्तों हिट भी हुआ करती थी। तो दोस्तों नसीब फिल्म का जब बजट बना था 4 करोड़ रुपए, तब दोस्तों उस दौर के जो फिल्मी पंडित थे उन्होंने मनमोहन देसाई साहब को मना भी किया था कि इतनी महंगी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों उस दौर में सिनेमा हॉल का टिकट की प्राइस क्या थी, 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.60 रुपया, 2 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों, अलग अलग सेंटरों के हिसाब से और अलग अलग सिनेमा हॉल की जो एक मतलब कहते हैं कि सीटों की जो एक क्लास हुआ करती थी दोस्तों। सबसे आगे 1.60 रुपये में मैंने फिल्म देखी है दोस्तों, और उसके जस्ट पीछे अपर सर्किल 2.50 रुपये, और उसके आप पीछे आ जाइए तो ड्रेस सर्किल 3.50 रुपये, और दोस्तों बॉलकनी 4.50 रुपये, और बॉक्स दोस्तों 5.50 रुपये। तो लेकिन दोस्तों बॉक्स में क्या है कि कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि दोस्तों जगह बहुत कम हुआ करती थी, तो अमूमन 12, 13, 15 सीटों तक ही दोस्तों बॉक्स में सीटें अवेलेबल हुआ करती थी। तो दोस्तों उस दौर में जब मनमोहन देसाई साहब ने ये फिल्म बनाने का विचार किया, तो 4 करोड़ रुपए की लागत दोस्तों आ रही थी इस फिल्म में। हालांकि दोस्तों फिल्मी कलाकार इसमें सारे मतलब सुपर थे, मतलब सब हाई कलाकार थे दोस्तों, जैसे अमिताभ बच्चन साहब हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो गए, और उसके अलावा दोस्तों चॉकलेटी चेहरा जो है इसमें ऋषि कपूर भी थे, और हीरोइनों में दोस्तों हेमा मालिनी, रीना राय, किम, और दोस्तों साथ में प्राण साहब थे, कादर खान भी थे, और भी बहुत से स्टार थे दोस्तों इस फिल्म में, और वो उस दौर में काफ़ी वैल्यूएबल स्टार थे दोस्तों जो इस फिल्म में थे। और दोस्तों इस फिल्म का एक गाना भी बहुत ही भव्य पैमाने पर फिल्माया गया था, जॉन जानी जनार्दन। इसमें तो दोस्तों मनमोहन देसाई साहब ने आधी फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया था, इस गाने में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों जब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इस फिल्म की महंगी होने का एक मुख्य कारण था दोस्तों, क्योंकि फिल्म के जो स्टार कास्ट थी दोस्तों वो तो कोई इशू नहीं था मनमोहन देसाई साहब के लिए, क्योंकि उनके लिए तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं थी बड़े सितारों को लेकर के फिल्म बनाना, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी वो बड़े सितारों के साथ अमर अकबर, एंथोनी बना चुके थे दोस्तों, राजेश खन्ना, मुमताज़ जी के साथ वो रोटी फिल्म बना चुके थे, और धर्म जी के साथ जो है उसमें रणधीर कपूर भी थे दोस्तों, चाचा भतीजा फिल्म बना चुके थे। तो दोस्तों उनके लिए ये फिल्म सितारों का जो चार्जेस था दोस्तों वो कोई मायने नहीं था, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई थी महंगे सितारों को लेने की। लेकिन दोस्तों फिल्म में सबसे बड़ा जो बजट जो खर्चा था वो दोस्तों उस फिल्म का जो शूटिंग स्पॉट था वो होटल था दोस्तों, वो दोस्तों वो एक रिवॉल्विंग होटल था जो घुमा करता था दोस्तों, वो सुबह से लेकर शाम तक जो है अक्सर घूमता रहता है, और वो मुंबई का ही एक होटल है दोस्तों जिसे रिवॉल्विंग होटल कहा जाता है दोस्तों, वो क्लॉक वाइज घूमता रहता है दोस्तों। उसका जो किराया था दोस्तों शूटिंग के समय स्टार्ट होने से लेके एंड तक का दोस्तों वो बहुत महंगा था। हालांकि मनमोहन देसाई साहब को बहुत से लोगों ने समझाया भी कि आप इतनी बड़ी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जब सिनेमा हॉल के टिकट का जो रेट है दोस्तों वही इतना कम है कि कलेक्शन क्या पता हो पाएगा, लेकिन हाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों मनमोहन देसाई साहब के माइंड में जो ढांचा था, जो स्केल्टन था, जो नक्शा था दोस्तों उस फिल्म का, वो उस फिल्म को हूबहू उसी तरह से फिल्माना चाह रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने रिस्क ली और दोस्तों फिल्म बनाई। तो दोस्तों कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, अगर आप डर जाते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, अगर आप उस डर वाले माहौल को आप आगे क्रॉस करके निकल जाते हैं तो दोस्तों वहाँ आपकी जीत होती है। तो दोस्तों नसीब उस दौर में फिर इतनी सुपर हिट हुई, इतनी मतलब ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि दोस्तों अपनी लागत से भी ज़्यादा, यानी दोगुना भी नहीं, तिगुना भी नहीं दोस्तों, 4 गुना जो है उस फिल्म ने कलेक्शन किया था। और दोस्तों नसीब अपने आप में एक मिसाल थी दोस्तों। तो दोस्तों
मतलब देखिए ना उस दौर में मतलब कितनी सस्ते में फिल्में बना करती थी और कितने सस्ते में हम लोग देख आया करते थे फिल्में दोस्तों। 1 रुपये 60 पैसे तो मुझे ध्यान है, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत अनगिनत फिल्में देखी हैं 1 रुपये 60 पैसे में। और दोस्तों जहाँ मतलब हम रहा करते थे जयपुर में दोस्तों, वहाँ एशिया का सबसे बेहतरीन सिनेमा हॉल है राज मंदिर। दोस्तों राज मंदिर सिनेमा हॉल में ये फिल्म रिलीज हुई थी और राज मंदिर का दोस्तों एक रिकॉर्ड रहा हुआ है कि कोई भी फिल्म कैसी भी फिल्म रिलीज हो जाए लोग फिल्म देखने नहीं सिनेमा हॉल देखने के लिए आते हैं, बाहर से भी विदेशों से भी और मतलब जगह जगह से लोग दोस्तों जो भी राजस्थान में आते हैं और जयपुर में विशेष तौर पे जो आते हैं लोग भ्रमण करने जो है टूर करने, तो दोस्तों राज मंदिर देखे बिना वो नहीं जाते। क्योंकि दोस्तों अगर आपने जयपुर शहर में राज मंदिर नहीं देखा तो सुन लीजिए मतलब समझ लीजिए आप सॉरी कि आपने राजस्थान में कुछ भी नहीं देखा। वो एक मेन चीज़ है दोस्तों राज मंदिर सिनेमा हॉल। तो दोस्तों राज मंदिर सिनेमा हॉल में मैंने खुद वो फिल्म आगे आगे बैठ करके देखी थी दोस्तों 1 रुपये 60 पैसे में। तो दोस्तों आप देखिए मनमोहन देसाई साहब की वो रिस्क जो है दोस्तों काफ़ी बेनिफिट वाली साबित हुई और ये फिल्म बनी थी दोस्तों। हालांकि बनने के बाद दोस्तों इसके जो है और भी प्रचार में काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, तो लगभग 4 करोड़ से भी ये फिल्म ऊपर निकल गई थी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाई भी बहुत अच्छी की। तो ये था दोस्तों मतलब उस दौर की सबसे महंगी फिल्म, जैसा हमारा टाइटल है दोस्तों कि उस दौर की सबसे महंगी फिल्म जिसमें लागत लगी थी 4 करोड़ रुपए की दोस्तों। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए दोस्तों इजाज़त और चैनल को कीजिए दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कीजिए शेयर। दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, चैनल छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।